नमस्कार दोस्तों, माँ डिजिटल सेवा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि आपको ऑपरेटिंग सिस्टम या विंडो डालने के लिए बूटेबल पेन ड्राइव कैसे बनाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आज चलते हैं इस वीडियो में। और सबसे पहले हम ये कहने चाहेंगे, अगर कि आपने हमारा सब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और बेल के आइकन को बिल्कुल दबाना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि इसी से आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त होता है और दोस्तों हमारे वीडियो के बारे में आपको सबसे पहले पता चलता रहेगा दोस्तों, और आप हमारे साथ बने रहोगे। तो दोस्तों, सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं लगता है, तो दोस्तों जल्दी कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो वीडियो पर चलते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम अपना गूगल क्रोम, जो भी आप ब्राउज़र चला रहे हैं उस ब्राउज़र को खोल सकते हो दोस्तों। खोलने के बाद दोस्तों आपको गूगल में डालना है Power ISO, पावर ISO। इस छोटे से सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी जो कि 2-3 MB का है ओनली। आपको कुछ नहीं करना, इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आएगा। आपको सीधा डाउनलोड पर क्लिक करना है दोस्तों। डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद आपकी जो विंडो है, जो आप जिस सिस्टम में काम कर रहे हैं उस सिस्टम में जो विंडो डली हुई है उसका आप देखेंगे, वो 32 बिट है या 64 बिट है दोस्तों, उस हिसाब से आपको डाउनलोड करना होगा दोस्तों। तो किस तरीके से देखते हैं तो मैं बताता हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, माँ कंप्यूटर पर जाके आपको प्रॉपर्टीज़ में जाके चेक करना है दोस्तों। चेक करने के बाद आपके सामने लिख के आ जाएगा 32 बिट या 64, जैसा कि मेरा 32 बिट है दोस्तों, तो मैं 32 बिट का डाउनलोड करूँगा दोस्तों। तो मैं सीधा डाउनलोड पर जाता हूँ दोस्तों, और आप 32 बिट पर क्लिक कर देता हूँ दोस्तों। 32 बिट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों ये इस तरीके से डाउनलोड हो जाएगा दोस्तों। डाउनलोड होने के बाद ये नीचे आ जाएगा, क्रोम में नीचे आता है दोस्तों, और मोज़िला फायरफॉक्स में यहाँ ऊपर जाता है दोस्तों। जहाँ ही पहुँच जाए वहाँ से आपको डबल क्लिक करके इंस्टॉल कर लेना दोस्तों। इस तरीके से आपके सामने इंस्टॉलेशन होगा दोस्तों इसका। इसको डबल क्लिक कर दिया मैंने, और ये बोल रहा है एरर राइटिंग टेम्परेरी फाइल, मेक श्योर योर टेम्परेरी फोल्डर इज़ वैलिड। ओके, ये बोल रहा है कि टेम्परेरी फाइल होल्डर है वो वैलिड नहीं है दोस्तों। तो मैं करता हूँ उसको फिर से दोबारा इंस्टॉल करता हूँ दोस्तों, आप वेट कीजिएगा। तो दोस्तों हमारे सामने इंस्टॉलेशन प्रक्रिया खुल के आ गई है। आपको कुछ नहीं करना है, सीधा आई एग्री पर क्लिक करना है दोस्तों। आई एग्री पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने का फिर इंस्टॉल पर क्लिक करना है दोस्तों। इंस्टॉल इस तरीके से इंस्टॉल हो जाएगा ये पावर आईएसओ सॉफ्टवेयर, जिससे हम बूटेबल पेन ड्राइव बनाने जा रहे हैं दोस्तों। ये इंस्टॉल हो गया है दोस्तों। नेक्स्ट किया, आपको सभी यहाँ पर सिलेक्ट ऑल कर देना है दोस्तों, क्योंकि सभी तरह की फाइल आप इसमें ओपन कर पाओगे, और क्लोज कर देना है दोस्तों। क्लोज करने के बाद दोस्तों, ये मेरा डबल और क्लिक हो गया था, इसको हटा देता हूँ दोस्तों। क्लोज करने के बाद आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस नया आ जाएगा दोस्तों। ये आपका थैंक यू बोलेगा अभी, इसको छोड़िए दोस्तों। आपका इस तरीके का आइकन आ जाएगा आपके सामने, कुछ नहीं करना है आपको, इस पर डबल क्लिक करना है दोस्तों। डबल क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, आपके सामने एक नया सॉफ्टवेयर जो ओपन है, सॉफ्टवेयर का जो विंडो है वो ओपन होके आ गई। उसको ओपन होने के बाद आपको इस तरीके से चलेगा दोस्तों, वेट कीजिएगा। कंटिन्यू टू अनरजिस्टर्ड पर क्लिक करना है दोस्तों, हमें रजिस्टर्ड नहीं लेना है, अनरजिस्टर्ड से काम चल जाएगा। तो दोस्तों हमें टूल्स पर क्लिक करना है। टूल्स पर क्लिक करने के बाद क्रिएट बूटेबल यूएसबी डिवाइस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ओके करना है दोस्तों। क्लिक ओके करने के बाद दोस्तों यस करना है। यस करने के बाद आपके सामने इस तरीके का फिर से नया इंटरफेस ओपन होके आएगा दोस्तों, वो पीछे वाला चला जाएगा दोस्तों। आप वेट कीजिएगा और कंटिन्यू कर देना है दोस्तों। कंटिन्यू करने के बाद आपके सामने जस्ट इस तरीके का ओपन होके आएगा दोस्तों। आपको उसमें कुछ नहीं करना है, आपको क्लिक करना है इमेज पर। इमेज पर क्लिक करोगे दोस्तों, क्लिक करने के बाद आपको जो भी इमेज चाहिए आपके पास, जिस विंडो का बनाना है आपको दोस्तों, तो मैंने मुझे जिस विंडो को बनाना है मैंने उसको सिलेक्ट कर रखा है दोस्तों। और मैंने उस विंडो का ओपन करके, जैसे मेरे पास ये विंडो ओरिजिनल विंडो 7 डला हुआ है, उसको मैंने क्लिक किया दोस्तों। क्लिक करने के बाद दोस्तों मैंने ओपन किया मेरा इमेज फाइल दोस्तों। आपके पास जहाँ भी डली हुई है आपके सिस्टम में तो वहाँ से उठा लीजिएगा दोस्तों। और दोस्तों बताना चाहूँगा, अगर आपके पास आपको बनाना नहीं आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं, मैं आपके लिए इमेज फाइल बनाना बता दूंगा दोस्तों, किस तरीके से बनाई जाती है दोस्तों। अब आगे चलते हैं, कुछ नहीं करना है। आपको पेन ड्राइव लगा हुआ है तो आपको पेन ड्राइव का लोकेशन दिखाई रहा है दोस्तों। अगर दो हैं, दो लगी होती हैं दोस्तों, तो आपको डबल लोकेशन यहाँ दिखाता है, वहाँ उसमें से आप कर सकते हो दोस्तों। जैसे इसमें एक हार्ड डिस्क दिखा रहा है आपको, दूसरा सैन डिस्क का है, तो आपको सैन डिस्क पर क्लिक करना है दोस्तों। क्लिक करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है दोस्तों। तो दोस्तों स्टार्ट बटन पर क्लिक कर देते हैं दोस्तों। दोस्तों क्लिक कर दिया है।
दोस्तों आप देख रहे हैं बूटेबल बनना स्टार्ट हो गया है। दोस्तों देखिए थोड़ा थोड़ा ग्रीन यहाँ पे आ रहा है और टाइमिंग भी चल रही है दोस्तों। ये देखो टाइमिंग घटती जा रही है दोस्तों, बूटेबल बनने की टाइमिंग इसमें यहाँ दिखाई जाती है दोस्तों, और ये चलना स्टार्ट हो गई दोस्तों। ये धीरे धीरे आपका हो जाएगा दोस्तों, जैसे ही इसको कंप्लीट होती है फिर आपको इंस्टॉलेशन कैसे करना है वो बता दें दोस्तों, और आपको किस तरीके से देखना रहेगा। इंस्टॉल अगर करना नहीं आता तो उसका वीडियो भी बता दूंगा मैं दोस्तों आपको बना के, पर लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आपको सिर्फ इतना ही बना बताऊंगा पेन ड्राइव किस तरीके से कंप्लीट हो जाएगी वो बताऊंगा दोस्तों। अभी इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गई दोस्तों। तो दोस्तों देख रहे हैं आप, अब लगभग आधा हो चुका है दोस्तों, 12 मिनट का और बचा है दोस्तों, वो चल रहा है, ऐसे पूरा कंप्लीट होगा दोस्तों। तो दोस्तों ये अंत होने वाला है, इसका फिनिश होने वाली है विद इन 27 सेकेंड, ये 26, 24, 23, ये धीरे धीरे आपका फिनिश होने वाली है दोस्तों। तो देखते रहिए वीडियो अंत तक दोस्तों, वीडियो को स्किप ना कीजिएगा और देखते रहिए। ये अभी यहीं पे आपको बताया जा रहा है लास्ट में आके 6 सेकेंड, 5 सेकेंड, और आपका दोस्तों ये 4 सेकेंड, 2 सेकेंड और 1 सेकेंड, और दोस्तों ये एंड पर आ चुका है दोस्तों। अभी देखो दोस्तों ये स्टोर तैयार हो जाएगी आपकी विंडो, और तैयार होने के बाद दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधा देखो दोस्तों इस तरीके से आपके सामने आ गया विद इन राइटिंग यूएसबी डिवाइस कंप्लीटेड सक्सेसफुली। दोस्तों आपकी बन चुकी है, आपको कुछ नहीं करना, ओके करना है दोस्तों, और बन गई है कि नहीं ये आपको चेक करना है, और यहाँ से क्लोज करना है दोस्तों। क्लोज करने के बाद अपना ये हटा दें, हटाने के बाद आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, अपना सीधा आपको यहाँ अपना जो डिवाइस माई कंप्यूटर रहता है उसमें जाना है दोस्तों। जाने के बाद आपको देखना है आपकी पेन ड्राइव बन चुकी है कि नहीं। बन चुकी है दोस्तों, देखो आप विंडो का आइकन आने लगा है दोस्तों, और सीडी रोम भी आपका पेन ड्राइव आपका बूटेबल बन चुका है दोस्तों। तो इस तरीके से दोस्तों आपको बूटेबल पेन ड्राइव बनानी थी, और आप विंडो इंस्टॉल कर पाओगे, विंडो इंस्टॉल कर पाओगे इसके बाद दोस्तों। और दोस्तों इसके लिए दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा दोस्तों, साथ में बेल आइकन को भी दबाइएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त होते रहेंगे, और दोस्तों आप हमारे साथ बने रहेंगे, और इससे आपको नई नई जानकारियाँ और नई नई टेक्निकल जानकारियाँ आपको मिलती रहेंगी दोस्तों। तो आज के लिए बस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, तो बने रहिए माँ डिजिटल सेवा के साथ। थैंक यू।